दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की चले जाने के बाद अब जो ये केस है ये बहुत धुंधला हुआ नजर आ रहा है और इस विषय में बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इस जांच के दौरान पुलिस को एक बात बार बार खटक रहा है और वो बात है करण जौहर से लेकर। जी हाँ, करण जौहर से क्या ऐसा विवाद हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन क्यों किया गया? जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर करण जौहर को बुला जा सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की उल्लंघन किया गया होगा तो करण जौहर पे कानूनी कार्रवाई तो जरूर होगा, याद रखिए उसका जेल भी हो सकता है। तो डिटेल क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी के चले जाने के बाद ये जो एक के बाद एक नया किस्सा उभरते हुए आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये जो मामला है ये मामला पुलिस भी बहुत गंभीर रूप से ले रहे हैं, पुलिस भी धन में पड़ गए हैं। पुलिस की एक बात जो है बार बार उनके सामने आ रहा है और वो बात है करण जौहर की, साथ में धर्मा प्रोडक्शन की। पुलिस सूत्र से पता चला है कि करण जौहर के साथ या फिर धर्मा प्रोडक्शन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट में था कि जो वो फिल्म है यानी ड्राइव वाला फिल्म जो लास्ट रिलीज किया गया था धर्मा प्रोडक्शन की ओर से, वो ड्राइव जो फिल्म है वो बड़े पर्दे यानी सिनेमा हॉल के लिए बनाया गया था या फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ यही बातचीत हुआ था, लेकिन आखिर वो लॉन्च किया गया था OTT में यानी नेटफ्लिक्स में वो लॉन्च किया गया था जो कि है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ करण जौहर का कुछ झड़प भी हुआ था, ये ऑलरेडी पता चल चुका है पुलिस को। सुशांत सिंह राजपूत बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे थे करण जौहर को, लेकिन उनका फोन इग्नोर किया जा रहा था करण जौहर द्वारा। पुलिस का ये कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि सिनेमा हॉल में ही रिलीज किया जाएगा तो ये सिर्फ नेटफ्लिक्स में रिलीज क्यों किया गया? सिनेमा हॉल के साथ साथ या फिर बाद में नेटफ्लिक्स में इजीली रिलीज किया जा सकता था, तो इस वजह से वे डिप्रेशन में चले गए थे या फिर डिप्रेशन का कुछ हद तक ये बात जिम्मेदार है ये तो हम और आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडिंग न्यूज पोर्टल ने इस विषय में टिप्पणी की है और उनके जो रिलेटिव्स है वे भी इस बारे में बहुत बातें बताई है। और ये भी बात सामने आया था कि करण जौहर ने बाद में बैन किया था सुशांत सिंह राजपूत को, अगले कोई मूवी में साइन नहीं करने वाले थे करण जौहर और बॉलीवुड के कुछ ऐसे तमाम प्रोडक्शन हाउस है जो कि ऑलरेडी ये बैनिंग का सिलसिला कर चुके थे। तो करण जौहर को बहुत जल्द बुला जा सकता है पुलिस स्टेशन में, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उल्लंघन आता है नजर आता है पुलिस को तो उस पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और इसके लिए जेल भी हो सकता है करण जौहर को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या सच में उल्लंघन हुआ था और ये भी क्या कारण था डिप्रेशन के, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि इस मामले में आप अगर इंचार्ज होते हैं तो आप क्या करते हैं। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपकी कमेंट का।